फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की स्थालिका। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। बहुत सारे त्योहार अब लगातार है, सावन से शुरू होते हैं और दीपावली तक त्योहार ही त्योहार होते हैं, तो हर तरह की अलग अलग मिठाइयां चाहिए होती हैं। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, सूजी के लड्डू, और इसमें बिल्कुल अलग है ना। इसमें ज्यादा घी इस्तेमाल करेंगे, ना ज्यादा मिल्क इस्तेमाल करेंगे, ना खोया इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। लेकिन आपको इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे सूजी का हलवा बनाया और उसे इकट्ठा करके रख दिया। नहीं नहीं नहीं, इसमें सारी टिप्स देखनी पड़ेंगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सूजी के लड्डू। ये सबसे पहले मैंने पैन रख लिया और पैन में मैं 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। ये देखिए, 1 चम्मच डाला और ये 2 चम्मच डाला। अभी देखिए, गैस मैंने ऑन कर दी। हम अपने घी को मेल्ट होने देंगे और हम ये 1 कप और ये देखिए 1/2 कप, कोई भी आप नाप से कटोरी ले लीजिए, उससे सूजी ले लीजिए। तो देखिए, ये मैंने सूजी ले तो ली है और अब हमें क्या करना है, इसे बहुत कम गैस पे, बिल्कुल मिनिमम गैस पे इसको खूब अच्छा ऐसे रोस्ट करना है और इसे लाल नहीं करना जैसे हलवे में हम लाल करते हैं ना। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जो पार्टिकल्स है ना, कण-कण है, ये देखिए मोटे मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत कम गैस पे, और ये देखिए दाना दाना जैसा होता जा रहा है। ये देखिए, मैंने बहुत मोटी सूजी नहीं ली, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये ऐसे फूलती जा रहे हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं सूजी का, जो कण-कण है, रेता जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे मोटा मोटा होता जा रहा है, पता चल रहा है। ये देखिए, मैं आपको आवाज सुनवाती हूँ, इसमें दाना दाना बिल्कुल खिल गया है, रवा जिसे कहते हैं, रवा खिल गया। तो देखिए, बिल्कुल खिल गया है, बिल्कुल इसके अलग अलग हो गए दाने। बस अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, ये मैंने 1/2 कप लिया है। आप इसकी जगह, यदि आपके पास नहीं है, तो आप क्या करिए, नारियल लीजिए, नारियल को ग्रेट कर लीजिए और उसे थोड़ा सा पैन पे डाल के ड्राई कर लीजिए, उससे बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा। यहाँ पे काम करिए, जो सूखा गोला होता है ना, उसको ले लीजिए और उसका ऊपर का ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है उसको छील लीजिए और उसको फिर मिक्सी में चला लीजिए, वो बिल्कुल ऐसे ही व्हाइट व्हाइट बन जाएगा, तो उसको आप ले सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट का और सूजी के साथ मिलके ना एक अलग ही एरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स जैसा होता है ना, बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है। तो इसको अब मैं ऐसे ही हल्का सा 1-2 मिनट और ऐसे रोस्ट कर लूंगी। और ये देखिए कितना खिला खिला, फिर से ये देखिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब देखिए, मैंने चीनी नहीं ली, हाँ मैंने मिश्री जो होती है ना, मिश्री को मैंने पीस के ले लिया है। मैंने ये 1 कप से कम लिया है, लेकिन आप पूरा 1 कप भी ले सकते हैं यदि आप शुगर ज्यादा खाते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसके बाद, क्योंकि ना तो मुझे चाशनी बनानी है ना मुझे हलवा बनाना है, अब जैसे हलवे में डालते हैं चाशनी बना के, वैसे नहीं करना है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें देखिए ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, जो हमने मिश्री का पाउडर लिया है, आप इसकी जगह शुगर भी ले सकते हैं पीस के, पर मैंने मिश्री का लिया, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको मैंने पीस लिया। और इसको अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल देखिए, चीनी का अपना मॉइस्चर होता है, तो अब क्या होगा, ये अपने आप, ये देखिए, इसमें आप इसे चलाते रहिए। ये देखिए, ये मिश्रण अभी आपको लग रहा होगा एकदम ड्राई ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे ये जो मैंने मिश्री का पाउडर डाला है इसमें मेल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता जाएगा इसमें अपने आप, और ये थोड़ा थोड़ा गीला होता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। 1, सूजी को हमें रेड नहीं करना है, बहुत मंदी मंदी आंच पे, और उसे हल्का हल्का एक एक दाना उसका खिल देना चाहिए, जैसे वो रेता होता है ना खिल जाता है, ऐसे एक एक बिल्कुल खड़ी खड़ी वो सूजी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल खिली खिली सूजी, जिसे कहते हैं ना सूजी खिल गई, ऐसे बन हमें उसे रोस्ट करनी है। दूसरी बात, मैंने इसमें बिल्कुल बहुत कम घी यूज किया है और मिल्क भी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, बिल्कुल जरा सा मिल्क यूज करना है, क्योंकि ज्यादा मिल्क यूज करेंगे तो हलवा बन जाएगा और फिर उसे सुखा के आप लड्डू बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दाना दाना आना चाहिए टेस्ट में। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपने ये सूजी के लड्डू। ये हम बना रहे हैं लड्डू, हमें चाशनी बना के वो सुखाते जाओ या दूध डाल दो बहुत सारा, सुखाते जाओ और फिर लड्डू बांध दो, तो वो सौगी हो जाएंगे अंदर से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे। सारे स्टेप ध्यान से देखा करिए, तभी उतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट आता है। अब हम देखिए, मैंने इतना सा मिल्क लिया है,
ये देख रहे हैं आप, आधे कप का भी आधा, मतलब हमें जैसे उसमें सूजा हलवे में या पानी लेना होता है 3 टाइम या मिल्क लेना होता है, ऐसा नहीं लेना, सिर्फ हमने आधे कप का भी आधा कप मिल्क लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हम इसमें ये मिल्क ऐड कर देंगे। अब ये मिक्सचर कितना गीला हो चुका है आप ये देख रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया, कितना शाइनी ये जो मिश्रण है, ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इस मिश्रण को हम एक थाली में, देखिए मैंने गैस कितनी कम की थी, आपको दिखाती हूँ, मिनिमम से भी मिनिमम गैस है, ये देख आप देख रहे हैं, इसको अब हम इसमें निकाल लेंगे खूब अच्छे से और ठंडा होने देंगे, इसको ऐसे करके फैला देंगे। अब ये देखिए सूजी निकालने के बाद मैंने फिर से वही पैन रख लिया अच्छे से निकाल के, और इसमें फिर से हम क्या करेंगे, 1 स्पून देसी घी डालेंगे। और ये देखिए मैंने थोड़े से बादाम को चॉप करके ले लिया है, अब हम इसमें बादाम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और ये मैंने पिस्ता लिए हैं, पिस्ता भी रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जब ये थोड़े से हो गए तब इसमें मैं ये चिरौंजी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं या जो ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन किशमिश नहीं डालूंगी क्योंकि किशमिश डालूंगी तो किशमिश जल जाएगी। अब ये देखिए सारे हमने ड्राई फ्रूट जो है इसमें घी में अच्छे से रोस्ट कर लिए, अब इनमें सारे घी सहित इसमें डाल देंगे, अच्छे से निकाल देंगे। अच्छा स्पैचुला का ना ये सबसे अच्छा काम होता है कि वो बहुत अच्छे से आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। देखिए ठंडा हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कैसे जम गया, ये देखिए। और यदि हलवा जैसा होता सूखता तो अलग होता, ये परफेक्ट लड्डू का मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। ये किशमिश मैंने उसमें घी में नहीं भूनी थी, किशमिश में डाल दूंगी और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऐसे मिक्सचर को। देखिए मैं प्लेट में कर नहीं पा रही हूँ तो मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया मिक्सचर को खूब अच्छे से। ये देखिए मिक्सचर को उसके बाद हमें ऐसे मिक्स करना है, ये देखिए ऐसे, ताकि ये लड्डू बहुत अच्छे से बंध जाए, बिल्कुल ऐसे करके मिक्स करिए। ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर ये देखिए बनके तैयार हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और आप चाहे तो आप कोई नाप से कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और अब क्या करना है, जैसे कहते हैं ना हमारे दोनों हाथों में लड्डू, बस लड्डू बनाने शुरू करेंगे अब। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि आप इन्हें 4-5 दिन तक बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, खोया नहीं है, बहुत ज्यादा मिल्क नहीं है कि ये खराब हो जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये सूजी के लड्डू, है ना बहुत यम्मी से, टेस्टी से और हेल्दी भी है, और इसमें घी भी ज्यादा यूज नहीं हुआ, दूध भी ज्यादा यूज नहीं हुआ। तो आप कब बना रहे हैं, किस त्योहार पे बना रहे हैं, किस सिटी से बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए फेस्टिवल।